अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम अली। आज हम बात करेंगे मल्टीनेट के SU7 और NX7 सीरीज के अंदर बिल्ट इन सैटेलाइट रिसीवर की, कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसको कैसे ट्यून किया जा सकता है। आप ये देख सकते हैं मेरी बैक एंड पे एक डिश लगी हुई है। इस डिश की वायर आपकी सैटेलाइट रिसीवर के अंदर लगेगी, केबल के अंदर लगेगी। आगे मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे ट्यून किया जा सकता है। जी, जो सैटेलाइट की रिसीवर की टीवी की बैक एंड पे जो स्लॉट है वो ये देखिए, ये ऊपर एनालॉग केबल का ट्यूनर है, नीचे ये सैटेलाइट रिसीवर की ये ऑप्शन बनी हुई है। इसके अंदर आपकी डिश की केबल लगेगी। जब आप डिश की केबल लगा लेंगे उसके बाद आपने अपने सेटिंग के अंदर ये लाइव टीवी भी आपने ओके करना है। लाइव टीवी ओके करने के बाद आपकी रिमोट पे ये सेटिंग की ऑप्शन है, इस बटन को आपने प्रेस करना है। बटन प्रेस करने के बाद लास्ट में ये सेटिंग की ऑप्शन है, सेटिंग में आपने जाना है। उसके बाद आपने चैनल पे आना है। चैनल के आने के बाद नीचे ये ऑप्शन दे रहा है चैनल इंस्टॉलेशन मोड, आपने इसके ऊपर ओके करना है। इसमें आपने मोड पहले ओके करना है, सैटेलाइट पे आपने लाके ओके कर देना है। ओके करने के बाद नीचे आपने ये ऊपर चैनल्स पे दोबारा जाना है और इसमें सैटेलाइट रीस्कैनिंग की ऑप्शन आ रही है, आपने इसको रीस्कैन कर देना है। उसके बाद ये राइट क्लिक दबाएंगे बटन, ये नीचे स्कैनिंग की ऑप्शन आ रही है, ये आपके चैनल स्कैन होने लग जाएंगे। ये आपके डिश के चैनल स्कैन कर रहा है। ये जब आप डिश ट्यून कर लेंगे, डिश ट्यून के बाद ये देखेंगे ये आपके केबल के सैटेलाइट के चैनल के चल रहे हैं। ये आपकी ऑप्शन आ रही है ऊपर सैटेलाइट, और ये रेजोल्यूशन भी शो कर रहा है कि ये 1080 में ये चला रहा है, 1080 IHD रेजोल्यूशन के साथ चला रहा है। ये सैटेलाइट के थ्रू ये चैनल ऑपरेट हो रहा है। ये सबका सवाल था कि सैटेलाइट रिसीवर हमारा काम करेगा या नहीं करेगा, तो ये आपको मैंने ऑपरेट करके दिखा दिया कि किस तरह इसको ट्यून करना है और ये चैनल्स भी इसके चल रहे हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।